शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सॉरी शारदा, जरा देर हो गई। जरा नहीं, बहुत देर हो गई है। दरअसल क्या हुआ कि हम गलती से नो एंट्री में चले गए और सामने से पुलिस की एंट्री हो गई, उसे जरा पटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आई जस्ट पार्क द कार इन कम। ओके, we'll be right back।
Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sunday, Monday, Tuesday, आज साफ पहनेंगे सफेद कोट सफेद पैंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब। वो तो जेल चले गए साहब, वो कह रहे थे कि मैं पहले जा रहा हूँ और साहब बाद में आ जाएंगे। What do you mean? सर, आज 12 अक्टूबर है ना सर, आपका जन्मदिन। अच्छा अच्छा अच्छा, आज हमारा जन्मदिन है, आज के दिन हम पैदा हुए थे। आपकी दुआ से। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सर, आज के दिन आप हर साल जेल जाते हैं और कैदियों को मिठाई और फ्रूट्स वगैरह बांटते हैं, सेक्रेटरी साहब उसी का इंतजाम करवाने गए। सर, इस फाइल पे आपके दस्तखत। मैनेजर साहब, आज के दिन तो ये फाइल वाइल का चक्कर वक्कर छोड़िए। करेक्ट, राइट सर। वो यू कैन गो। नए नए गांव से आयो? जी साहब। क्या उम्र? जी 16 साल। 16 ये उम्र पढ़ने लिखने की और आप हैं कि किचन में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? ऐसे नहीं है इसलिए? जी साहब। ठीक है, आज शाम को गांव जाने की तैयारी करो। जी। जाते वक्त 2000 रुपए दे देंगे। जी। ठीक है, 500 हर महीने, गांव पहुंच जाएंगे। जी।
चलाओ चलाओ लाइन से चलाओ लाइन से। अरे ठीक है चलो। हाँ चलो चलो चलो। गड़बड़ नहीं करना चलो। जल्दी आनंद बाबू, ये रामदीन है। जमीन और घर के झगड़े में पूरे घर को ही साफ कर दिया था इसने जहर देकर। और ये है गुलाम नबी। शक्ल सूरत से बड़ा भोला भाला लगता है, लेकिन एक मासूम बच्चे के गले से चेन हासिल करने के चक्कर में इसने उस बच्चे की गर्दन ही काट दी। यह है अंथोनी। इसका केस कुछ अजीब और गरीब है मिस्टर आनंद। इसने शादी की पहली रात ही अपनी बीवी का गला घोट दिया। जानते हैं क्यों? इसे अपनी बीवी पर शक हो गया था। लेकिन अब पछता रहा है। मिस्टर आनंद, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। पूछिए। बात यह है, मैं यहां पिछले 3 साल से हूं और हर साल ये देख रहा हूं कि आप अपने जन्मदिन पर इस जेल में आते हैं और कैदियों में अपने हाथ से मिठाइयां और फल बांटते हैं। जरूर इसकी कोई खास वजह होगी, एम आई करेक्ट? हमारे आने की खास वजह है इंसानियत। यूसी मिस्टर भूषण, आज के इस जेल में जो इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे समाज और सोसाइटी ने उन पर मुजरिम का लेबल लगाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप क्या समझते हैं आपके इस 4 दीवारी के बाहर कोई मुजरिम नहीं? Am I correct? Definitely, but one thing. Yes, Mr. Roshan. Roshan नहीं, भूषण। Yes, Mr. Bhushan. What were you saying? क्या कह रहे थे आप? About law and justice. मैं ये कह रहा था, हमारे कानून में मुजरिमों के इंसाफ की बुनियाद गवाहों पर रखी जाती है, और मैं जानता हूँ कई बार गवाही गलत भी हो सकती है और इंसाफ करने वाले नाइंसाफी भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, यही तो हम भी कह रहे हैं। आपका कानून एक बेगुनाह को सजा तो दे सकता, लेकिन उसकी जिंदगी के वो बेहतरीन दिन नहीं लौटा सकता जो उस बेगुनाह ने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। कुछ ऐसी नाइंसाफी हमारे डैडी के साथ भी हुई। आपके डैडी के साथ? हाँ, हमारे डैडी बेगुनाह थे, फिर भी आपके कानून ने उन्हें सजा दी और जेल की 4 दीवारी में उन्होंने सजा भुगती। और आज भी हमारे घर की 4 दीवारी में अकेले कैदियों की तरह वो सजा भुगत रहे हैं, उस गुनाह के लिए जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं। हमारे डैडी की तरह ना जाने कितने बेगुनाह इंसान इस जेल में होंगे। That's the reason, चंद घड़ियां उनसे मिलकर, उनके दुखों में शरीक होकर हम अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। मिस्टर आनंद, आप वाकई बहुत महान आदमी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मिस्टर गुलशन। गुलशन नहीं, भूषण। ओह, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आजकल कुछ अजीब से चक्कर हो गया हमारे साथ, सिर्फ सूरतें याद रह जाती हैं, नाम नहीं। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आप सूरतें भूल जाएं और सिर्फ नाम याद रहें। That's a good one. चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। ये उम्मीद न रखे तो बेहतर है, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए आपको फिर एक बार इसी जेल में आना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता, आ जाएंगे अपने अगले जन्मदिन पर October 12th। बाय। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते साहब। गुड मॉर्निंग सर। अरे तुम लोग चुप क्यों हो गए? हंसने पे कोई राशि नहीं क्या? चलो यार हंसो। Ee mama
सर वो आ गई है सर। कौन? लड़की है सर, इंटरव्यू के लिए। सर आधी से आप निपट लीजिए, आधी से मैं निपट लेता हूँ। सर बहुत सारी हैं सर, इसलिए हम उनका इंटरव्यू खुद लेंगे। सेंड देम इन। यस सर। Come in. Sit down. Thank you, sir. My name is Rita, sir. Qualification? Be honest. आप हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनती? कभी कभी तो पहनती नहीं हूँ, but हाँ, ऊपर वाले ने जब हमें यहाँ भेजा था तो क्या कपड़ों के समेत भेजा था? इसलिए कई बार रात को तुम्हें ऐसे ही सो जाती हूँ। मिस लक्ष्मी शर्मा, प्लीज कम। सिट डाउन। थैंक यू सर। नाम? लक्ष्मी शर्मा। पहले भी कहीं काम किया? जी हाँ, राजन मोटर्स में स्टेनो थी। कब तक? 9 महीने तक। हाँ? लेकिन सर वो मैंने खुद काम छोड़ दिया था। काम के अलावा और किसी चीज का भी शौक है? क्यों नहीं, नाइट क्लब, डांस, म्यूजिक, फिल्मों पर तो जान देती हूँ मैं। मिस चित्रा, बुलावा आ गया। कम इन। Please take your seat. Your name? Chitra. Miss Chitra. Beautiful. Thank you. I mean your name. Qualification? Be in economics. आगे पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ लिख कर भी तो भागना नौकरी के पीछे ही है ना। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपना वक्त भागने के पीछे बर्बाद कर देती है। मैं तो अपनी जिंदगी के हर एक पल का फायदा उठाना चाहती हूँ। आज तक कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फायदे उठा चुकी हैं आप? जी कोई खास एक्सपीरियंस? तजुर्बा इस बात का? मेरा मतलब है काफी पत्थरों से टकरा चुकी हूँ, काफी रास्तों से गुजर चुकी हूँ। कभी पीए, कभी स्टेनो, कभी टेलीफोन ऑपरेटर। इंटरव्यू स्टेनो के लिए? 2 महीना ओसीएम, 4 महीना मुरारजी मिल्स और 6 महीना भारत इंडस्ट्रीज। और किसी एक जगह पर टिककर काम क्यों नहीं करती आप? टिककर काम करने की तो आदत ही नहीं है अपनी, और फिर इसकी जरूरत भी नहीं है। दरअसल रॉयल फैमिली की लड़की हूँ, माँ बाप है नहीं, और एक भाई है वो भी पायलट ऑफिसर है। घर में अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ इसलिए। Leave that alone, Miss Chandra. Leave it. माफ कीजिए, मेरा नाम चित्रा है। Oh yes, Miss Chitra. दरअसल हमें अपनी जिंदगी में इतने नामों से वास्ता पड़ा है कि कभी कभी नामों में अदल बदल हो जाती। अगर हम आपसे ये कहें मिस चित्रा। Oh yes, Miss Chitra. अगर हम आपसे ये कहें कि आप इस इंटरव्यू में फेल हो गई हैं तो इसमें मेरा क्या नुकसान है? आप एक एक्सपर्ट स्टेनो से हाथ जरूर तो बैठेंगे। Arrogance, arrogance. I like it. हम तुम्हें रख रहे हैं। जी? I mean, as a steno. I see. This is too much. Yes, Miss Chitra. Cigarette, please. बहुत देर से आपके इस ऑफर का इंतजार था। Now, this is too much. She even smokes.
is me. It's all right. Excuse me, sir. इधर स्मोकिंग करने को अलाउड नहीं है. ओ बॉय एस्टेलोनी. अब बोलो सर, आपको क्या मांगता है? कुछ शूटिंग मांगता है? नो. तो फिर शर्टिंग्स मांगता है? नो. सॉक्स मांगता है? नो. ओ साड़ी मांगता है? नो. तो फिर कुछ रेडीमेड के अंदर मांगता है? से ट्राउजर्स मांगता है? वो शर्ट्स? नो. शर्ट्स? रुमाल चाहिए. ओह कर्चीफ्स, दैट काउंटर प्लीज. जी. यस सर, क्या चाहिए आपको? आप जी, आप के पास कोई खूबसूरत रुमाल होगा? जी. देखिए. नो. नो. सीधे. I like it. कितनी लेंगे? एक डजन? Only one. सिर्फ एक? की आदत है. कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जी, जल्दी ही दे देंगे. आप जरूर देंगे ना? जी. ब्यूटीफुल. ये फूल उस रुमाल पर. कसम तो तोड़ी. कैसी कसम? बन मत यार, जब बॉयफ्रेंड चुना है
रखो मैं के साला। क्या बकबक करती रहती है? कौन सा बॉयफ्रेंड? अरे वो ही जिससे इतनी देर खुसर फुसर कर रही थी। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक कस्टमर है। सिर्फ एक कस्टमर है तो रोज रोज तेरे काउंटर पे क्यों आता है? इसलिए कि वो इस काउंटर का रेगुलर कस्टमर है। तू बड़ी लकी है यार, तेरे काउंटर पे कस्टमर आते भी हैं तो रेगुलर और खूबसूरत, और अपने काउंटर पे तो एक से एक बढ़कर नमूना ही आता है। एक तेरे काउंटर पे भी एक हैंडसम कस्टमर आया है। रियली? जा उसे संभाल। नजर मत लगा। क्या चाहिए आपको? नजदीक आई जी। नजदीक मतलब ये कान में बताने वाली बात है, सबके सामने थोड़ी बता सकता। शर्म आ रही है? समझ में आया? ओहो तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? कहो ना कि ब्रेशर चाहिए। साइंस बताओ। अब तक मेरी शादी हुई नहीं। वो अभी तक मेरी वो है। वो देती हूँ। Give me the stunner. Hello, Chitra. Chitra, नहीं सर, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। कहाँ गई चित्रा? वो तो दो दिन से ड्यूटी पर नहीं आई सर। तो मैनेजर साहब फोन दीजिए। मैनेजर साहब सेक्शन रूम में गए हुए हैं, अभी बुला लेता हूँ। यस सर। मैनेजर साहब जरा यहाँ आइए। राइट सर, अभी है सर। ओके सर। Come in. Yes, sir. सुना है दो दिन से चित्रा ऑफिस नहीं आई। जी हाँ सर, मैं भी यही कहने वाला था। दो दिन से ऑफिस में कितनी उदासी छाई हुई है सर। छुट्टी के लिए कोई अर्जी भेजी थी? जी नहीं सर। फोन वोन? जी बिल्कुल नहीं सर। दो दिन इंतजार करो, अगर वो ना आए तो उसकी जगह फौरन कोई और स्टैनो रख ली जाए। समझ गया सर। और सुनिए जी, मुरली एंटरप्राइजेस से कोटेशंस आई, फाइल्स और पेपर्स जो हैं वो चित्रा की डेस्क पर है, किसी और से कहो कि अटेंड करें। समझ गया सर। तेरा पूर्ति से। जी। चॉकलेट मेरी कमजोरी है, कहिए क्या दूं आपको? कोई अच्छी सी खूबसूरत। समझ गई, बनियान। कौन सा रंग? हर रंग हमें पसंद है, लेकिन हमारी एक शर्त है, उस पर कोई दाग ना हो। आई नो सर, आप जैसे खूबसूरत नौजवान को भला दागदार चीज कैसे पसंद आएगी? दागी माल तो ऐसे वैसों के लिए रखा जाता है। आप देखिए तो सही। देखिए सर, ये तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए सर, ये कैसी है? गुड। कीमत? कीमत चीज की नहीं, पसंद की होती है सर। पसंद हो तो सीने से लगा लीजिए, और अगर ना पसंद हो तो किनारे कर दीजिए। I like it. कितनी? आधा दर्जन? एक। सिर्फ एक? अच्छा ठीक है सर, जब इससे आपका जी भर जाए ना, तब दोबारा हमारी दुकान पे जरूर आइएगा, हमारे पास और भी बहुत से रंग हैं। तब तो आना ही पड़ेगा। देखिए जरूर आइएगा सर। सर प्लीज टू कम।
एक्सक्यूज मी सर, सर उस दिन आपने ये रुमाल मांगा था तब तो आउट ऑफ स्टॉक था, ये समझ के कि आप जरूर खरीदेंगे मैंने इसे काट दिया है, अब इससे कोई बात नहीं, इसकी कीमत भी हम अदा कर देंगे, हमारे बिल में जोड़ दीजिएगा, ये आप रख लीजिए हमारी तरफ से तोहफा। कैन आई सी दिस बुक? नजर आ रही हो? अरे बहुत खुलमिल के बातें हो रही थी कस्टमर से। क्यों, तुझे तकलीफ हुई क्या? मुझे क्यों तकलीफ होने लगी? देख भाई, तुझे उससे प्यार हो गया तो बोल दे। Will you please shut up? भाई अगर तेरा चक्कर नहीं चल रहा है तो मुझे मेरा तो चक्कर चलाने दे। बहुत अंत में यार, क्या पर्सनालिटी है रियली। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? शर्म, हया, शराफत, इंसानियत, अरे ये सब लफ्ज किताबों में ही अच्छे लगते हैं मिनता। और फिर हमें यहाँ से मिलता ही क्या है, 300 रुपए जिसमें से 150 रुपए घर का किराया चला जाता है, 50 रुपए बस का भाड़ा, बचे क्या 100 रुपए, ऊपर से घर में बूढ़ी माँ की बीमारी और छोटी बहन की पढ़ाई। तू ही सोच 100 रुपए में इंसान गुजारा कैसे करे। तो क्या तुम पैसे की खातिर अपनी इज्जत का भी सौदा कर दोगी? इज्जत का नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट का। दुकान में हंस के बात करो तो मालिक का फायदा होता है और दुकान के बाहर हंस के बात करो तो अपना फायदा होता है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ए चॉकलेट, ये लो तुम अपनी किताब। अरे इतनी जल्दी पढ़ ली तूने, कैसी लगी? मुझे तो नहीं पसंद आई। कोई चांस नहीं। हेलो हेलो, एक्सपोर्ट इंडिया? यस, कौन मांगता है? देखिए मैं चित्रा का भाई बोल रहा हूँ। देखिए मैं इस होटल का आई मीन इस ऑफिस का मैनेजर बोल रहा हूँ, मुरली मनोहर बीयर अभी तक आ रहा हूँ। मैं चित्रा से एक मिनट बात कर सकता हूँ? अजी एक मिनट क्या, आप उससे एक घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है वो तो कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आई। दफ्तर नहीं आई, लेकिन क्यों? अरे कमाल है, आप उसके भाई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैनेजर साहब, मैं एक सेल्समैन हूँ, ज्यादातर टूर पर ही रहता हूँ, अब की बार जब घर आया तो चित्रा गायब थी, आपकी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर देखा इसलिए आपको फोन किया। हुजूर, चित्रा सिर्फ 4 दिनों तक हमारे दफ्तर की शोभा बढ़ाती रही, उसके बाद वो बिना किसी अर्जी के और बिना किसी को इत्तला किए न जाने कहाँ चली गई। तब से हमारे दफ्तर में बहुत सुनापन छाया हुआ है, आप अपने अड़ोस पड़ोस में पता लगा के देखिए ना। हेलो, हेलो, जी हाँ रूप सागर, कौन चाहिए आपको? शीला, वन मोमेंट प्लीज। ए चॉकलेट, तुम्हारा फोन। फोन मेरे लिए? बात है। हेलो, हाँ मैं शीला बोल रही हूँ, कौन? गोपाल? नहीं, तो टॉनी बोल रहा? टॉनी भी नहीं, आवाज तो पहचानी सी लग रही है। अरे भाई कौन है बोलो ना यार। हाँ क्या? हाँ कहाँ? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगी। हाँ आई नो यार, हाँ मिलके बात करेंगे ना, ओके। हाँ लेकिन सुनो, मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? व्हाइट ड्रेस, रेड रोज, ओके ओके, अच्छा बाय बाय, थैंक यू। व्हाइट ड्रेस, रेड रोज, व्हाइट ड्रेस, रेड रोज, व्हाइट ड्रेस, रेड। अरे शारदा सुन, मैं एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, लेकिन पूछना मत के कहाँ जा रही हूँ, कल तुझे मिलूंगी ना तो सब बता दूंगी, जाओ जाओ। अरे मैं अपनी जिंदगी बनाने जा रही हूँ, कमबख्त जरा हंस के तो विदा कर। हंस तो, दैट्स नाइस। और सुन,
कल मेरा बर्थडे है, शाम को तुझे घर आना है और हम डिनर साथ खाएंगे। ओके बाय। व्हाइट ड्रेस रेड रोज वाला साला नजर नहीं आता। चिंता हो रही है मुझे। पर तुम्हारी तो वो बहुत फ्रेंड होती है, तुम्हारे को बताकर भी नहीं कि कहाँ गई। बहुत चक्रम छोकरी है। कल उसके लिए एक टेलीफोन आया था, कह रही थी जिंदगी बनाने जा रही हूँ, आज उसका बर्थडे है, शाम को उसके घर जाऊंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा। रूप सागर, क्या बोला? क्लोजिंग टाइम 8 o'clock, 8 बजे। Thank you.
चोट तो नहीं आई? रात के वक्त अंधेरी सड़कों पर जरा संभल के चला कीजिए। चलिए बैठिए, जहां जाना हम छोड़ देते हैं। जी। चलिए आइए आइए, बैठिए ना गाड़ी में। क्या हुआ? जी, बस। कमान कमान हरियाणा। हाँ तो बोलिए, कहाँ छोड़ते हम आपको? जी, महात्मा गांधी रोड वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल। लेकिन जिस रास्ते से आप गुजर रही थी वो तो महात्मा गांधी रोड से हटकर है। दरअसल मैं अपनी सहेली शीला के घर जा रही थी, आज उसका बर्थडे है। किसके घर? शीला। अच्छा नाम है। आपका नाम? शारदा। उससे भी अच्छा है, तो हम आपको वहीं छोड़ दें? नहीं, अब मैं हॉस्टल ही जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप मुझे हॉस्टल ही छोड़ दीजिए। हॉस्टल पर नहीं? जी, दरअसल पिताजी की मौत के बाद मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। माँ मामा जी के साथ गांव में रहती है, और तो कहीं है नहीं, इसलिए मैं अकेले ही। आप भी हमारी तरह अकेली हैं। रात के सन्नाटे में ड्राइवर की सीट के पास बैठकर इस तरह चुप रहेंगी तो एक्सीडेंट होने का डर है। जी, मैं क्या बोलूं? अच्छा, हम सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिए। ओके, हम बार बार आपकी दुकान पर आते रहे, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। दुकान पर आने के बाद हम आप ही के काउंटर पर आते रहे, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। उस दिन जान पहचान के बगैर ही हमने आपको एक रुमाल तोहफे में दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। अगर हम आपसे इस वक्त ये कह दें कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं। शारदा, आई लव यू। ख्याल है कोई अच्छी सी फिल्म देखी जाए? मेरे हॉस्टल में एक वार्डन भी है। शारदा, टू इज कंपनी, थ्री इज अ क्राउड, कबाब में हड्डी क्यों? मेरा मतलब है, अगर मैं हॉस्टल लेट पहुंची तो वार्डन बहुत गुस्सा करेगी। अब नहीं तो फिर कब? अगले संडे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। Yeah.
कल रात हमने एक सपना देखा। क्या? ऐसी सुनसान शाम थी, ऐसी ही सुनसान सड़क थी, ऐसी ही गाड़ी थी, और इसी तरह तुम हमारे पास बैठी थी, और फिर हमने गाड़ी रोक ली, फिर हमने तुम्हारी तरफ देखा और हमारी नजरें तुम्हारी नजरों से टकरा कर फिसली और तुम्हारे खूबसूरत लबों पर थम गई और हमने पहली बार तुम्हें चूम लिया। आपने कार क्यों रोक दी? यूं ही ख्याल आया, क्यों ना इसी पल उस सपने को हकीकत में बदल दिया जाए। नहीं, शादी से पहले आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते। शारदा, आई लव यू। नहीं प्लीज, आई लव यू। छोड़ दीजिए प्लीज। आप बहुत बुरे हैं जी। मैं राहुल विलाकुबत? अरे हमने कुछ किया ही नहीं और ये मोहतरमा खामोखा बिगड़ रही हैं। ये दुकान है या पागलखाना? चलिए जी, रखो, चलो बेगम। क्या बात है, आज हजूर बड़े चुप हैं? हम्म, मैंने कहा जनाब आज ये खामोशी क्यों? शारदा, जब इंसान की जिंदगी में कोई नया मोड़ आता है तो कदम उठाने से पहले उससे अच्छी तरह सोच लेना चाहिए ना। जरूर सोचना चाहिए, किसी भी नए काम के लिए एक्सपीरियंस का होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, अगर एक्सपीरियंस ना हो तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो फिर बताओ कहाँ चले, समुद्र के किनारे, क्लब, होटल या किसी हिल स्टेशन? क्या मतलब? अरे भाई, अगले महीने हम लोग शादी कर रहे हैं, हम दोनों की जिंदगी का एक नया मोड़ है, अभी से अगर कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तो क्या बुरा है? जी? नहीं समझे? नहीं समझे? जब देखो बस एक ही बात, और कुछ नहीं आता आपको? आता तो बहुत कुछ है, मगर आप मौका दे तब ना। एक बात बताओ शारदा, तुम अंग्रेजी फिल्में देखती हो, अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ती हो, फिर भी तुम्हें इन बातों में, मेरा मतलब है सेक्स की बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है? बात है सर, बात है। क्या सर, आपने कहा था ना दुबई 2000 बकेट भेजनी है, स्टॉक चेक करके आइए। मैंने स्टॉक चेक किया, बहुत है सर। आप क्यों हंस रहे हैं सर? मालिक जब हंसे तो नौकर का फर्ज है कि वो भी हंसे। अगर मालिक ये कहे कि गेट आउट, तो नौकर का फर्ज है कि
विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. ये सब कुछ आई ना हो सर. अब तो लक्ष्मण रेखा टूट चुकी है ना. अब बोलो क्या इरादा. कोई नहीं कोई नहीं. चलिए पहले मंदिर चलते हैं. मंदिर चलना जरूरी है. भगवान का आशीर्वाद नहीं लेना है क्या. आशीर्वाद ठीक है अगर आप कहती है तो हम चलेंगे. वहां चलकर कुछ लेना ही है ना. हाँ हाँ मुझसे प्यार करते हैं. प्यार करते हैं. चरण छू रही थी. पति के चरणों में ही पत्नी के जीवन की शांति है. शांति सरला सरिता ना जाने आजकल की औरतें कहां कहां से चुन चुन कर नाम रख लेती. आज हमें जो नाम पसंद है वो एक ही है शारदा. कभी भूल नहीं जाएंगे इस नाम को. अरे हम आपको भूल सकते हैं लेकिन आपके नाम को नहीं भूल सकते. जानते हैं इस देवी की बड़ी मानता है तभी तो इतनी भीड़ जमी रहती है इनके दर्शनों के लिए. और भीड़ से हमारा दम घुटता है इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए. Shall we go? अच्छा ये बताइए आपने देवी से क्या मांगा. किसी से कुछ मांगने की आदत तो हमने बचपन के बाद छोड़ी थी. अब सिर्फ एक ही आदत रह गई चिन्ने की. सच पूछो तो हम तुम्हारी खुशी के लिए आए थे. हमने तुम्हारी खुशी पूरी कर दी. अब तुम्हारी बारी है. चला कितनी सुंदर है. कौन ये मूर्तियाँ. ओह तुम्हें पसंद है. ये दुर्गा माँ की मूर्ति कितनी सुंदर है जरा दिखाइए. देखिए ना मैं बचपन से ही इनकी पूजा करती आई हूँ. ले लो. कितने की है तुम्हारी ये दुर्गा माँ. बाबूजी आपके लिए सिर्फ 5 रुपए. सिर्फ 5 रुपए. जी हाँ. बड़ी सस्ती है तुम्हारी ये दुर्गा माँ. नहीं हम तो ये कह रहे थे कि इससे महंगा कोई भगवान मिलता तो खरीद लीजिए. हमें कोई एतराज नहीं. नहीं मुझे यही चाहिए. लो भाई. जी धन्यवाद. आओ. चलो एक जिद तो तुम्हारी पूरी कर दी. हो गई ना शादी. व्हाट नेक्स्ट बच्चा. जी नहीं बच्चे के लिए मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है. हर काम में जल्दी तो सदा आप ही को रहती है. फिक्र मत करो बच्चे के लिए हमें भी कोई जल्दी नहीं. सच पूछो तो शारदा बच्चे के मामले में हम औरत और मर्द दोनों को बराबर कम मुजरिम समझते हैं. बहुत चालाक हैं आप. इसीलिए तो अपनी मीठी मीठी बातों में इस सीधी सादी लड़की को फंसा लिया आपने. really? अरे हाँ सचमुच हम तो फिर भूल ही गए थे. तुम तो फंस चुकी हो और सामने है इस बुलबुल का छोटा सा पिंजरा यानी कि हमारा घर. ये बलराम सिंह है इस घर के चौकीदार. इस घर के लोहे के मजबूत दरवाजे हम 2 बार बदल चुके हैं लेकिन इन्हें नहीं बदला. इनकी तेज नजरों से बचकर ना कोई इस घर में आ सकता है ना जा सकता है. ए मालकिन है पहचान लो इन्हें. ये शेरा है बंगले के माली. इनके चेहरे पर मत जाइए तबीयत से ये शानदार आर्टिस्ट हैं. बंगले की ये जो सजावट देख रही सब इन्हीं की करामात है. और बंगले के आसपास को चूहा भी मिल जाए तो क्या बात है. और फिर लाल गुलाब के पौधे लगाने में तो कमाल है. ये आपकी मालकिन है. नमस्ते साहब. शारदा ये हमारा नया बावर्ची है. क्या नाम है. घसीटा राम सरकार. हाँ घसीटा कैसे. ए नहीं मालकिन. नमस्ते जी. शारदा जब से इस घर में आया ना खाने में घसीट घसीट कर
इसने हमारा हाजमा खराब कर दिया। इसकी तनख्वाह है 200 रुपया महीना और हमारे डॉक्टर का बिल आता है 500 रुपया महीना। अब मैं आ गई हूँ ना, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, तुम्हें भी कुछ घसीटने का शौक है क्या? ये है हमारा छोटा सा घर शारदा, बस आज से तुम्हारी आजादी खत्म। जितनी भी जिंदगी बाकी है वो तुम्हें इस घर की चार दीवारी और हमारी नजरों के सामने गुजारनी होगी। और ए, तुम वहां क्यों खड़ी हो? कम ऑन। क्या हुआ? क्या इस घर में कोई औरत या नौकरानी नहीं है? किस लिए? घर की बहू घर में पहली बार कदम रख रही है, इसलिए मैं। ओ, हम तो भूल ही गए कि तुम रामायण के जमाने की लड़की हो। शारदा, इस वक्त जिस औरत को यहाँ होना चाहिए था, जो आरती उतार कर तुम्हारा स्वागत करती, वो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि हमारी माँ। हमारे डैडी हमारी माँ से बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अरे हाँ, वो तुम्हारे हाथ में जो देवी है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, दुर्गा। हाँ, बस उसी का सहारा लेकर चौकट पार करो, दाहिना पाओ प्लीज। नाराज तो नहीं? तो लगता है लाल रंग आपको बहुत पसंद है, इसलिए तो तुम्हारी शादी का जोड़ा भी हमने लाल रंग का चुना। और जो चीज हमें पसंद है उसे अपने आप से दूर नहीं देख सकते। शारदा, ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है, डर गई? जिंदा है क्या? देख लो। अरे पगली, अभी तो इस घर में तुम्हारा पहला कदम है, आगे चलकर हर कदम पर तुम्हें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। आओ। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, यहां पर बैठकर खाना तो क्या, एक गिलास पानी भी नहीं पिया। सब कुछ हम बेडरूम में ही करते हैं, जानती हो क्यों? क्योंकि हम बहुत अकेले हैं शारदा। आई एम अ वेरी लोनली मैन। इधर आओ, हम तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस चांदी के फ्रेम में देख रही हो तस्वीर, ये हमारे डैडी है, यानी कि आपके ससुर। और दूसरे फ्रेम में जो भोला भाला सा लड़का है ना, वो इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है। कहाँ? एक खूबसूरत लड़की की खूबसूरत जुल्फों के जाल में, जिसका नाम शारदा। अच्छा, तो ये आप हैं? बचपन में तो काफी खूबसूरत थे जनाब। तो क्या आप बदसूरत हो गए हैं क्या? सुनिए, इतने बड़े घर में कहाँ चले गए? सुनिए। हाँ तो क्या कह रही थी? इतने बड़े घर में सिर्फ दो ही नौकर, दो चार और होते तो काफी चहल पहल रहती। सोचा तो यही था, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया कि ज्यादा लोग होंगे तो भीड़ होगी, मौका नहीं मिलेगा। किस बात का मौका? एक ही तो बात रह गई जिंदगी में, शादी के बाद पति का जो फर्ज बनता है उसे फौरन पूरा कर लेना चाहिए। जी नहीं, आपका फर्ज बनता है कि दफ्तर के काम में दिल लगाएं, और मेरा फर्ज बनता है कि आपका दिल लगाने के लिए दफ्तर में मैं भी आपका साथ दूं। और हम दोनों का फर्ज बनता है कि दफ्तर में डबल बिस्तर लगा दें। आपको बिस्तर के सिवा और भी कुछ सोचता है या नहीं? ठीक है, अगर आपको बिस्तर पसंद नहीं है तो आपके लिए सोफा लगा दूंगा। शारदा, आई लव यू, इसलिए जल्दी से जल्दी हम तुम्हें बिस्तर वाले कमरे में ले चलेंगे। नहीं, पहले एक बार सारा घर अच्छी तरह देख लें, उसके बाद। हाँ, फिर तो हमारी सुहागरात कल सुबेरे ही होगी। आओ। और ये है
हमारी लाइब्रेरी। बाप रे, इतनी सारी किताबें, लगता है आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। पढ़ने का शौक तो पहले था, अब तो जो पढ़ लिया उसे आजमाने का शौक है। क्या मतलब? नहीं समझी? नहीं समझी? छी, ये सब क्या वैसी किताबें हैं? नहीं, सब के सब वैसी किताबें नहीं, दो चार दूसरी भी हैं। और आओ शारदा, ये हमारा गेम्स रूम है। बचपन से खेल हमें बहुत पसंद है, खेल चाहे कैसा भी हो। जितने भी खेल आपने यहाँ जमा कर रखे हैं उनमें कोई ना कोई साथी होना जरूरी है, लेकिन देख रही हूँ यहाँ एक अकेली ही कुर्सी है। किसके साथ खेलते हैं ये सब खेल? अकेले। अकेले? अपने आपके साथ। लेकिन किसी से हार जीतना हो तो खेल का मजा ही क्या? हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब तो जनाब आज जिंदगी में पहली बार आपको हारना पड़ेगा। किससे? मुझसे। आप शायद जानते नहीं हैं कि हॉस्टल की हर खेल में मैं हमेशा फंस जाती रही हूँ। मुझसे आप जीत नहीं सकते, ये मेरा चैलेंज है। Wait until dark. शाम ढलने दो, तुम्हें भी पता चल जाएगा हमारा खेल। इसी कमरे का दूसरा दरवाजा। सुनिए, इसमें क्या है? ये दूसरा कमरा है। एक्चुअली ये डैडी इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ कागजात हैं, पुरानी फाइल्स हैं। There's nothing in it. डर गई? Nothing to be scared of. ये भी हमारे घर में एक बहुत बड़ी हस्ती है। चलिए हम आपसे मिलवाते हैं उसको। Come on, come on. ये भी हमारा एक बहुत ही वफादार नौकर है और दोस्त भी। आप रे, कितनी डरावनी आंखें हैं इसकी, काटती तो नहीं है? कभी कभी तो हमें भी काट लेती है। वो लिपटते हैं हमसे बिल्ली के डर से, खुदारा अब कोई ना गुजरे इधर से। वो कमरा देख रही हो, वो भी इस बंगले का एक हिस्सा है। नीचे तुमने हमारे डैडी की तस्वीर देखी थी ना, वही रहते हैं वहां। परसों पहले उन्हें कैसे जुर्म की सजा में जेल जाना पड़ा जो उन्होंने किया ही नहीं था। तब से कुछ पागल से हैं और अपने आप को कैदी की तरह इस रूम में हमेशा बंद ही रखते हैं। कभी कभी जब दौरा पड़ता तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा माली है ना शेरा, ऐसे मौकों पर वही संभाल सकता हूं ना। कभी कभी तो हमें भी उन पर बहुत तरस आता है। हम तो सिर्फ हमदर्दी दिखा सकते हैं, किसी की किस्मत तो बदल नहीं सकते। आओ, ये हमारे छोटे से सफर की आखिरी मंजिल, हमारा जानती हूँ बेडरूम। अच्छा, तो आप जानती हैं कि ये बेडरूम है? हाँ, देखो अब आप इनकार नहीं कर सकती, अब तो हमने लक्ष्मण रेखा पार करने का लाइसेंस भी ले लिया है। और शारदा, ये है हमारे प्यार का पहला Thank you.
हेलो आनंद यार। यस आई नो कमिंग या हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर का फोन था, फॉरन बुलाया हमें। क्या अभी जाना जरूरी है? जल्दी आ जाएंगे। कभी किसी औरत के कदम नहीं पड़े, फिर वो कौन थी? जो भी हो, हमें हर वक्त हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर, चित्रा ने कुल 4 दिन तो हमारे दफ्तर में काम किया, उसमें भी डेली 2.5 घंटे गायब। 3 चिट्ठियां टाइप की, उसमें 30 गलतियां। अब उनके भाई साहब ना जाने कहां से आन टपके, जिद करके बैठे हैं कि आपसे मिले बगैर नहीं जाए। भेज दो बाहर अंदर। जी Come in. Sit down. Thank you, sir. जी मैं हम जानते हैं कि आप चित्रा के भाई साहब हैं। मैनेजर साहब बतला रहे थे कि आप मुझसे मिलना चाहते थे, कोई खास बात है? जी हाँ, बात दरअसल ये है, वो देखिए मैं एक मामूली सा सेल्समैन हूँ और चित्रा ने तो बताया था आप एक पायलट ऑफिसर हैं। शो ऑफ करना चित्रा की कमजोरी थी सर। पांव जमीन पर रखती थी और आंखें आसमान की तरफ। जब देखो पार्टी, पिकनिक, बॉयफ्रेंड्स, मैंने उसको कितनी बार समझाया, उसकी आजादी, उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कसूर उसका नहीं, कसूर जमाने का है। हमारी सोसाइटी बदल रही है, जमाना बदल रहा है और ना जाने क्या क्या बदलने वाला है। आपको चित्रा के बारे में बता रहे थे। जी हाँ, पिछले 1 हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी, उस वजह से मैं बहुत ही परेशान हूं। जिस शाम को घर से गायब हुई, उस शाम को आपके ऑफिस में काम कर रही थी। इसका मतलब चित्रा ऑफिस टाइमिंग के बाद ही गायब हुई है? जी हाँ, उस दिन शाम को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अजंता रेस्टोरेंट में गई थी। आपको कैसे मालूम? वहां का एक वेटर मेरा पड़ोसी है, उसी ने मुझे बताया। वो बॉयफ्रेंड कौन था? यही तो मैं जानना चाहता हूँ सर। हो सकता है वो बॉयफ्रेंड आप ही के ऑफिस का कोई आदमी हो। मैं उस वेटर को अपने साथ लाया हूँ जो उसे पहचान सकता है। इसका मतलब आपको शक है
कि चित्रा के साथ जो लड़का देखा गया था वो किसी ऑफिस के अंदर है। जी हाँ, अगर आप इजाजत दें तो। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, बाय ऑल मीन्स, आप बड़ी खुशी से अपना शक दूर कीजिए प्लीज। मैनेजर, चित्रा के भाई साहब को हमारे स्टाफ के एक एक आदमी से मिलवा दिया जाए, कोई भी बचने ना पाए। क्या आइए, ये है अपने पांडुरंग बाबू, बड़े रंगीले आदमी। लोग भगवान के दर्शन के लिए रोज सुबह मंदिर जाते हैं, ये कॉलेज की लड़कियों के दर्शन के लिए बस स्टॉप पे जाते हैं। लेकिन ये है मिस्टर गिधारी लाल, हाँ ये है मिस्टर गिधारी लाल। ये वैसे नहीं है, बेचारे बहुत शरीफ आदमी है। ये बस स्टॉप पे नहीं जाते, सीधे कॉलेज में चले जाते हैं। हाय स्वीटी, हाउ आर यू। इनको देख लीजिए, ये तो शक्ल से ही लगते हैं कि कैसे हैं। हाँ, ये है वो महान हस्ती साहब, इन्हें आप शहर के किसी होटल में नहीं देखेंगे। इनका होटलों में उधार इतना हो चुका है, इतना हो चुका है, अगर गलती से कभी किसी होटल में पहुंच जाएं तो खाना नहीं खाते मार खाते हैं। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आइए इन महाशय को भी देख लीजिए, इनकी तो सेहत से ही साफ पता लग रहा है कि होटलों में खाना तो परे रहा, घर में भी बीवी खाना कभी कभार देती होगी। पहचाना नहीं यार, जिस आदमी को मैंने रेस्टोरेंट में देखा था, ऐसी शक्ल का आदमी तो यहाँ कोई नहीं है। तो चले चलो। कम इन। पहचान लिया? नो सर, वेटर का कहना है आपके स्टाफ का कोई भी आदमी नहीं। हम सॉरी सर, आपको बेकार में तकलीफ थी। कोई बात नहीं, अफसोस तो हमें हुआ कि आपको निराश हुई। इट्स ऑल राइट सर, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। तो सारा सिंदूर गिरवा दिया, जानते नहीं सिंदूर का बिखरना अच्छा शगुन नहीं होता। आज जबकि जमाना चांद और सितारों की दुनिया में पहुंच चुका है और तुम हो कि अभी तक जमीन पर बिखरे हुए सिंदूर में अटकी हुई हो, ये कमरे का क्या हुलिया बना रखा है? क्यों जी, इतना बड़ा घर है और भगवान की पूजा के लिए एक छोटा सा कमरा भी नहीं। ठीक है, अब कमरा बन ही गया है, चार दस किले ठोक दो दीवारों पे और लटका दो बहुत सारे भगवान। देखिए, देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाया करते, समझे? और सुनिए, कल से आप भी सुबह सवेर उठकर नहा धोकर उठिए, उठिए,
बाहर जाइए, क्यों क्यों बाहर जाइए, क्यों पूजा के कमरे में जूते नहीं चलेंगे, उठिए उठिए। क्या सतयुग की नारी से वास्ता पड़ा है। तो पहली वाली आंटी किधर गई? पहली आंटी? हाँ, एक दफे हमारी बॉल गिर गई थी, उसने वापस दी नहीं। एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। पूछो। वो मुझसे पहले भी इस घर में कोई थी? किसने कहा? वो पड़ोस के बच्चे कह रहे थे। पड़ोस के बच्चे यहाँ कैसे आए? दरअसल वो उनकी क्यों वो लेकिन आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या दफ्तर में कोई खास बात हुई? Nothing. सुबह के उस फोन के बाद आपके चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। कहिए ना, क्या बात है? Nothing. जरूर कुछ बात है, बताइए ना। Nothing. प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाइए। नथिंग। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मुझे ही नहीं बताएंगे? I said nothing, 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 nothing. Sorry. I'm very sorry. ऑफिस में कुछ टेंशन थी इसलिए। कोई बात नहीं। आज हमारी शादी का पहला दिन है, हमें इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। जाने दीजिए, आप बहुत थके हुए हैं, मैं आपके लिए चाय बना। नहीं, चाय हम बाद में पी लेंगे, हमें वापस भी जाना है बहुत जरूरी काम से। अच्छा, आप रात को खाना क्या खाएंगे? मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है ना, मर्जी भी तुम्हारी। मर्जी भले ही मेरी हो लेकिन पसंद तो आपकी होनी चाहिए ना। तुम्हें मालूम है हमें क्या पसंद है? नहीं? जी चाहता है आज की रात हम तुम्हें ही खा जाएं। नाराज तो नहीं हो ना? नहीं? प्रॉमिस? प्रॉमिस। हम बस अभी गए, अभी आए, ओके? Thank you.
हम दोनों का फर्ज बनता है कि दफ्तर में डबल बिस्तर लगा। आपको बिस्तर के सिवा और भी कुछ सोचता है या नहीं? ठीक है, अगर आपको बिस्तर पसंद नहीं है तो आपके लिए सोफा लगा दूंगा। शारदा, आई लव यू। मुझको बुलाए अनजाने सपने नींदे चुराए तेरी अदाए जादू जगाए धरती सवारे मौसम सजाए सपने नींदे चुराए तेरी अदाए जादू जगाए धरती संवारे मौसम सजाए ला 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 Thank you.
कहीं मेरा हो ना जाए, तेरे सिवा दिल को कोई न भाए, प्यार कहीं मेरा हो ना जाए। फूलों से रंगी, तारों से उजली, सागर से गहरी मेरी वफाए, किसकी सदाए मुझको बुलाए, अनजाने सपने नींदे चुराए, तेरी अदाए जादू जगाए, धरती सवारे मौसम सजाए, किसकी सदाए मुझको बुलाए, अनजाने सपने नींदे चुराए।
वाटर पाइप टूट गया। सही हैं, उन्हें याद करके आज भी मेरा दिल कांप उठता है। मेरी दुख भरी दास्तां शुरू होती है एक गांव से, जहां मेरा जन्म हुआ, यहां से दूर, बहुत दूर। अरे मुन्ने, तू यहां बैठा है? तुम लोगों की भैंस नहीं तो बदरी चाचा के खेत में घुसकर सारी फसल बर्बाद कर दी। देख, तेरी माँ तुझे मारने आ रही है। देख, वो देख आ रही है। बेचारा कह रहा था 3 दिन से भूखा हूं। धीरे से खाओ बेटे, धीरे से। क्यों जी, मैं ये सोच रही थी इसे घर की और जानवरों की देखभाल के लिए रखे तो क्या बुरा है? कोई बुराई नहीं, 2 वक्त पेट भर के खाना तो मिल जाएगा बेचारे को। माँ मैं जा रही हूँ, स्कूल में देर हो जाएगी। अच्छा बेटी, संभल के जाना। हाँ अच्छा माँ। पिताजी मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी। पेट भर के खा लिया बेटे? हाँ माँ जी। चल हाथ धो ले। Thank you.
जी माँ जी। मैं गांव के बाहर कीर्तन में जा रही हूँ, तेज के लौटूंगी, घर का ख्याल रखना। अच्छा जी, और ये पानी भर के चूल्हे पे दाल चढ़ा देना और गाय को चारा डाल के कपड़े भी धो देना, ठीक है? और हाँ, जब निर्मला स्कूल से आए उसे कहना दूध गर्म करके पी ले, समझा? जी। माँ जी कह गई है दूध गर्म करके पी लेना। माँ कहाँ गई है? गांव के बाहर कीर्तन में गई हैं, कह रही थी देर से वापस लौटेंगी। है दीदी, माँ कब तक लौटेंगी? कीर्तन पे गई है, देर तो हो ही जाएगी। लगता है माँ ने शक्कर का डब्बा कहीं ऊपर रख दिया है, मेरे हाथ में ही पहुंच रहे। तुम अंदर आ जाओ ना। जी दीदी। क्या है दीदी? जरा ये हुक लगा दो। दीदी, ये आप क्या कर रही है? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए दीदी, दीदी ये आप ठीक नहीं कर रही है, छोड़ दीजिए मुझे। आज मंदिर जाना बेकार है, कीर्तन तो हुआ नहीं, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, नहीं तो खाम खा आपका इंतजार करना पड़ता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। माँ मुझे बचा लो, माँ पिताजी, देखिए पिताजी, आप लोग नहीं थे तो ये जबरदस्ती मुझे कैसे बताऊं माँ? आपने इसे बेटी की तरह समझा और इसने देखिए आपकी बेटी के साथ क्या सलूक किया, देखिए मेरा सारा बदन किस तरह कांप रहा है, मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। कुत्ते कहीं ने जान किया, जिस थाली में खाता है उसमें छेद लग पा रही है, झूठे जान की झूठे, जिस थाली में खाता है उसमें छेद लग पा रही है, झूठे जान की झूठे, जान जान किया। शाबाश। आप ले ले, अरे भूख लगी, मिलने
तुम्हारे पांव पड़ता हूं। चल देखिए ना, अपने में कोई बेचारा गरीब दुखी लड़का है, जाना जान अंदर बुलाइए ना उसे। अंदर जाने दो, बहुत भूखा हूं। आने दो उसे। अच्छा साहब, साहब बहुत भूखा हूं मैं। जो बिस्कुट आप उस कुत्ते को खिला रहे थे मुझे दे दीजिए, नहीं तो भूख के मारे मर जाऊंगा। मुझे भीख नहीं चाहिए साहब, आप जो चाहे काम मुझसे करवा लीजिए। मैं आपके जूते पॉलिश कर दूंगा, कपड़े धो दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, लो पहले कुछ खा लो फिर काम की बात करते हैं। सीता बेचारा सचमुच बहुत भूखा है। हाँ, कितना मासूम चेहरा है, न जाने किस घर का है, कहाँ कहाँ ठोकरे खाएगा। कोई काम दे दीजिए ना इसे। डार्लिंग सच सच बताओ, कब तक लौटेंगे आप? ओहो सीता, अभी दो कदम घर से बाहर नहीं रखे कि तुम्हारी चिंता शुरू। आप तो जानते ही हैं मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, और एक आप है जो दो दो महीने टूर पे बिता देते हैं। अच्छा भाई, अब के जल्दी वापस आ जाऊंगा, बस वहाँ बिजनेस खत्म हुआ, इधर घर वापस। अब तो खुश हो ना? हाँ, देखो अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखना, खाना टाइम पर खाना, मैंने ब्रीफकेस में दवा रख दी है, दिन में 3 बार दवा लेना। और ओ सीता, ये बात तुम कितनी बार दोहराओगी, तुम बीवियों को ये बहुत बुरी आदत है, अपने मियाँ को एकदम बुद्धू समझती हो। अब मुन्ना जी, देखो मेरी गैर हाजिरी में अपनी मालकिन का पूरा पूरा ख्याल रखना, ये भी तुम्हारी तरह बिल्कुल बच्ची हैं, अकेले में बहुत डर लगता है इन्हें, समझे? जी मुन्ना, घर का ख्याल रखना, मैं इनको एयरपोर्ट छोड़कर आती हूं। अच्छा, पर इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जरूरत है, तुम नहीं समझोगे, जब तक सामने हो तब तक तो सेवा का मौका दो। ओके ठीक है, लाओ बैग, मैं उठा लेता हूँ। माँ जी अरे मुझे मैं... तो दो अच्छा। ना सीता और सावित्री जैसी पतिव्रता नारियों के कारण हमारे भारत की संस्कृति उज्जवल है। तुमने सुना, ये मुझे माजी कह रहा है, जो है तो तेरा मदर। No, 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 you are my sweetheart, sweet, sweet, sweet. I'm sweet, sweet, sweet. So on that. Heaven, magic of the town. Oh, come on, darling, don't be shy. No. Chalo na. No. Come on. No, darling, no. No. मुन्ना देखो मेरी गैर हाजिरी में अपनी मालकिन का पूरा पूरा ख्याल रखना, ये भी तुम्हारी तरह बिल्कुल बच्ची हैं, अकेले में बहुत डर लगता है इन्हें, समझे? जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। ड्यू टू टेक्निकल रीजन वी आर रिटर्निंग टू द बेस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। टैक्सी में से सामान ले आ जा। रीता, रीता डार्लिंग, रीता,
किशोर कैसा हो रहा ऊपर? वो जी वो क्या? माँ जी और वो और कौन? माँ जी किसी के साथ साहब, माँ जी बहुत बुरी है। राम साथी बदसाद उल्टा, किस कमबख्त ने तेरा नाम सीता रखा था? मुझे माफ कर दो, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। साहब, और मारिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, इन मक्कार औरतों की यही सजा है, मारिए। My son, मेरे कोई औलाद नहीं है, आज के बाद तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें पाल पोस कर एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जैसा किसी बाप ने आज तक अपने बेटे को नहीं बनाया होगा, किसी बाप ने अपने बेटे को नहीं बनाया होगा। और उन्होंने जो मुझे बनाया वो मैं बन गया, औरतों का दुश्मन। मेरी नफरत की आग में दी हुई चटिया होती है शीला। वेट अंटिल डार्क, शाम ढलने दो, तुम्हें भी पता चल जाएगा हमारा खेल। Thank you.
आप हाँ आप ही तो थे साहब उस दिन चित्रा मेम साहब के साथ वो ये किस लिए साहब तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मेरा मुंह समझ गया देखो साहब ये छुट्टा अपने पास रखिए आप उन जाता है देखो अभी अभी हमारी अंधेरी जिंदगी में राष्ट्रीय की किरण में कदम रखकर हम नहीं चाहते जो प्यार हम पा चुके हैं वो पाया हुआ प्यार खो दें और अपन भी आप जैसे परमानेंट हुंडी को पाकर खोना नहीं मांगते साहब क्या चाहते हो तुम क्या चाहते हो तुम देखो साहब अपन बहुत छोटा आदमी अपन भी चाहता है कि जिंदगी में एक बड़ा आदमी बने एक होटल हो उसमें एयर कंडीशन लगा हो नौकर चाकर बंगला हो गाड़ी हो ऐश की जिंदगी बिता सके क्या चाहिए ऐसा कीजिए अभी 1,00,000 रुपया दे दीजिए बाकी बाद में देख लेंगे इसका मतलब है तुम हमें जिंदगी भर ब्लैकमेल करते रहोगे Thank you.
सॉरी शारदा, जरा देर हो गई। जरा नहीं, बहुत देर हो गई है। दरअसल क्या हुआ कि हम गलती से नो एंट्री में चले गए और सामने से पुलिस की एंट्री हो गई, उसे जरा पटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आई जस्ट पार्क द कार इन कम। ओके, Yeah!
बेदी, आज का अखबार देखा? एक्सपोर्ट इंडिया के मालिक आनंद को गिरफ्तार करके डॉक्टरी जांच के लिए अस्पताल में रखा गया है। पुलिस को शक है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। शक तो ठीक ही मालूम होता है, वरना होश में रहकर कोई इंसान इतनी भयानक हत्याएं नहीं कर सकता। लगता है उसे औरतों से सख्त नफरत है। देखिए ना, हर बार एक लड़की को फांसता था, उसके साथ मोहब्बत का खेल खेल के उसे मार डालता था और फिर अपने ही बागीचे में उसे दफनाकर उस पर गुलाब का पौधा लगा देता था। तौबा, कहा जाता है इन हत्याओं में आनंद का माली भी शामिल है। अजी, आनंद के इन भयानक जुर्मों का जिम्मेदार हमारा समाज, हमारी सोसाइटी भी हो सकती है। इंसान मुजरम पैदा नहीं होता, हालात उसे मुजरम बना देते हैं। अरे भाई, रामन राव का केस भी कुछ ऐसा ही था। उसने भी कई भयानक हत्याएं की, बाद में पता चला बचपन में घटी हुई घटनाओं की वजह से ही वो इतना बड़ा खूनी बन गया था। अजी, वजह कुछ भी हो, जुर्म आखिर जुर्म होता है। कानून के फंदे से कोई भी मुजरिम नहीं बच सकता। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आनंद को देखने या मिलने से अब कोई फायदा नहीं। उसकी दिमागी हालत ऐसी है, ना वो किसी को पहचान सकता है और ना उसे कुछ याद है। देखिए आनंद, आनंद यहाँ। जन्मदिन है 12 अक्टूबर। ले लो। चलते हैं, फिर मुलाकात। ये उम्मीद न रखिए तो बेहतर है, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए आपको फिर एक बार इसी जेल में आना पड़ेगा।
तो क्या फर्क पड़ता, आ जाएंगे अपने अगले जन्मदिन पर अक्टूबर 12th। मुझे ये देखकर बहुत ताज्जुब होता है कि इसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आपके दिल में इसके लिए कितना प्यार है। लेकिन इसका फायदा क्या, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आप अपने विचार क्यों नहीं बदल लेती? मेरा मतलब है, आप चाहे तो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। मुझे ईश्वर की प्रार्थना में बड़ा विश्वास है। इस वक्त भी मैं मंदिर से आ रही हूँ ये प्रार्थना करके कि मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र अमर रहे। Oh, I am sorry. Then wish you all the best. Excuse me.